पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामलाल यादव प्रधान संघ अध्यक्ष चकिया बनने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू के द्वारा बताया गया कि इस दौरान सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरोध में और बढ़ती महंगाई नौजवान किसानों और आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है। गरीब महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। वहीं चकिया के जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के दशरथ नेता ने जानकारी दी और छोटे लोहिया ने अपने संघर्षों की बदौलत गरीबों और किसानों के हक में कई आंदोलन किए, उसे मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। उनकी जयंती पर हम सभी को जनता की सेवा और सहयोग के लिए संकल्पित होना होगा, तभी समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी। चंदोली चकिया में समाजवादी पार्टी की विशाल साइकिल रैली में जन सैलाब उमड़ा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भी हमला बोला। पब्लिक टीवी के लिए चंदोली से नितेश सिंह यादव की रिपोर्ट। निकाल करके लोगों को जागरूक करना है। ये जो भ्रष्टाचार भाजपा के चलते हो रही है, इसको जो है कि एक संदेश देना है। उसी पर एक कार्यक्रम रखा गया और हम प्रधान संघ अध्यक्ष के तरफ से एक जो है उसमें स्वागत समारोह समाजवादी पार्टी ने रखा। सर, क्षेत्रवासियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को विकास कार्य से जोड़ना चाहते हैं। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा सरकार ने की है, उसको जो एक संदेश अच्छा दे करके एक सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। श्रीमान, अपना परिचय बताएं। मैं दशरथ चंद सोनकर, जिला पंचायत सदस्य चकिया। सर, आज का कार्यक्रम क्या रहा? आज समाजवादी पार्टी विधानसभा इकाई की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और इसमें 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र के जयंती पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली के माध्यम से जनता के बीच में समाजवादी पार्टी का संदेश देना है। और माननीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के बताए हुए कार्यों के प्रति, बताए हुए उनके मार्गों पे चलने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संकल्प है। सर, क्षेत्रवासियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज वर्तमान में जो भारत के संविधान का उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से वर्तमान सरकार के द्वारा जो हत्या हो रही है, मैं उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। और संविधान और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों के विश्वास के साथ उनका जन जन तक अच्छा संदेश पहुंचाने का काम कर रहा हूं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।